वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जीरा सोडा की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं और इसमें 10 से 15 काली मिर्च ऐड कर देते हैं। 5 से 6 लौंग है, इसको भी ऐड कर देते हैं और लो फ्लेम पर इसको हल्का सा भून लेते हैं इसका कच्चापन दूर होने तक। गैस का फ्लेम लो रखें। ये देखिए भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद पाउडर बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा पाउडर हमने बना लिया है। आप मिक्सी के जार में या फिर सिलवटना जिस पे आप चाहें बना लें। और 1/2 चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी को। और आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। और ये देखिए हमारा मसाला सोडा मसाला तैयार हो गया है। अब हम सोडा बना लेते हैं। 1/2 हमने नींबू का जूस लिया है, 1 चम्मच चीनी ली है और 1/2 चम्मच हमने जो जीरा पाउडर बनाया था उसको ऐड कर लिया है। अच्छे से इसको घोल लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें सोडा ऐड करेंगे। मैंने बिस्लरी का सोडा लिया है, आप किसी भी ब्रांड का सोडा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अब हम इसमें सोडा ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, जैसा बिल्कुल बाज़ार में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आता है। और मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है, मेरा मन कर रहा है अभी मैं इसको पी लूँ ठंडा ठंडा। और ये देखिए मैंने एक नींबू स्लाइस से गार्निश किया है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड की हैं। सोडा बन के तैयार हो गया। ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।